माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मोर ए वीडियो रे तुम माध्यमिक बीजगणित बहर तृतीय अध्याय समांतर प्रगति पाठर अनुशीलनी 3A र 16 नंबर एवं 17 नंबर प्रश्न द्वारा समाधान करवा। ताहले आस प्रथमे आम 16 नंबर प्रश्नटीर समाधान करवा। 200 रु क्षुद्रतर और 3 द्वारा अविभाज्य समस्त धनात्मक पूर्ण संख्या मानकर योगफल निर्णय कर। सूचना 1+2+3+++ ओ 3+6++198 निरूपण करी प्रथम रु द्वितीय को वियोग कर। ए भली काहे की सूचना रे दिया गला जेहेतु 200 रु क्षुद्रतर ओ 3 द्वारा अविभाज्य समस्त धनात्मक पूर्ण संख्या नगर योगफल आमको निर्णय करिवार अछि। तेणु 200 रु क्षुद्रतर समस्त धनात्मक पूर्ण संख्या मानकर योगफल रु 200 ठारु क्षुद्रतर 3 द्वारा विभाज्य समस्त धनात्मक पूर्ण संख्या मानकर योगफल को वियोग करदेले आमको 200 ठारु क्षुद्रतर 3 द्वारा अविभाज्य समस्त धनात्मक पूर्ण संख्या मानकर योगफल निरूपित होइजिवो। तेणु आस समाधान करिबा 200 ठारु क्षुद्रतर समस्त धनात्मक पूर्ण संख्या मानकर योगफल S169 निर्णय करिबा। S169=1+2+3+…169 वन रु 169 पर्यंत एमाने 200 ठारु क्षुद्रतर धनात्मक पूर्ण संख्या। एठारे प्रथम पद A=1 ओ शेष पद L=169 ओ पद संख्या N=169 कारण 1 रु 169 पर्यंत 169 टी संख्या रहिछंती। आमे जानिचु एन टी पदर समष्टि SN=N/2 × A+L इम्प्लाइज S169 आमे निर्णय करिबा। एन जगार आमे 169 लिखिदेले = एई एन जगार भी 169 लिखिबा ताहले आमको मिलिबो 169/2 तापरे बंधनी तापरे ए पय आमर 1 तापरे प्लस तापरे एल बा शेष पद L=169 तेणु आमे एल जगार 169 लिखिदेले इम्प्लाइज S169=169/2 बंधनी थिले गुणन 169 आउ 1 200 200 को 2 द्वारा भाग कले 100 169 को 100 द्वारा गुणन कले 169/19900 एटा होची S169 रो मूल्य S169 मिली गला। वर्तमान S66 आम निर्णय करवा अर्थात 200 ठारु क्षुद्रतर 3 द्वारा विभाज्य समस्त धनात्मक पूर्ण संख्या मानकर योगफल निर्णय करवा। 200 ठारु क्षुद्रतर 3 द्वारा विभाज्य समस्त धनात्मक पूर्ण संख्या मानकर योगफल S66=3 जोग 6 जोग 9 जोग डैश 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 जोग 198 अतएव यही अनुक्रम पद संख्या N=198/3=66 यही 66 एभली भाव निर्णित होठार प्रथम पद A=3 और शेष पद L=198 ताहले N=2 आमर ए 66 N=66 आम जानी समांतर प्रगतिर एन टी पदर समष्टि SN=N/2 × A+L ताहले आमे S66 निर्णय करिबा। एन जगार 66 लिखिले N जगार 66 लिखिबा 66/2 × ए जगार आमे लिखिबा 3 तापरे प्लस एल जगार आमे लिखिबा 198 66 को 2 भाग कले 33 बंधनी थिले इंटु 198/3 201 33 × 201 6633। वर्तमान आमे कौन करिबा 200 रु क्षुद्रतर 3 द्वारा अविभाज्य समस्त धनात्मक पूर्ण संख्या मानकर योगफल निर्णय करबाक हेले 200 ठारु क्षुद्रतर समस्त धनात्मक पूर्ण संख्यार समष्टि S169 रु 200 ठारु क्षुद्रतर 3 द्वारा विभाज्य समस्त धनात्मक संख्या मानकर समष्टि S66 निर्णय करबाक पडिब। S169 रु S66 माइनस करबाक पडिब। S169 आमर 19900 S169 19900 माइनस S66 आमर
6633 19900 6633 वियोग करले 13267 एटा होची आंसर। वर्तमान में 17 नंबर प्रश्न रो समाधान करिबा। 15 को एपरी तीन भागरे विभक्त कर जेपरी कि सेमाने एक समांतर अनुक्रम रे रहिबे ओ सेमानकर गुणफल 120 हेबो। आमे 15 को तीन भाग करिवार अछि। मन करा जाउ 15 को तीन भागरे विभक्त कले ए माइनस डी ए ओ ए प्लस डी हेबो जे माने कि एक समांतर अनुक्रम रे अछन्ति। आमे 15 को तीन भाग करी ए माइनस डी ए आउ ए प्लस डी पाइछन्ति। तेनो ए माइनस डी ए आउ ए प्लस डी को जोग करले आमको 15 मिलिबो। तेनो आमे लेखिले ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15। माइनस डी प्लस डी कैंसल 1a 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 3a 3a इज इक्वल टू 15 इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 15/3 = 5 ए इज इक्वल टू 5 मिलला। पुणी प्रश्न रे कुहा हिचि कि सेमानकर गुणफल 120 हेबो। 15 को एपरी तीन भाग रे विभक्त कर जेपरी कि सेमाने एक समांतर अनुक्रम रे रहिबे ओ सेमानकर गुणफल 120 हेबो। अर्थात ए माइनस डी ए आउ ए प्लस डी को गुणन कले आमर 120 सहित समान हेबो। तेणु आमे लेखिबा ए माइनस डी इंटु ए इंटु ए प्लस डी इज इक्वल टू 120। ए माइनस डी इंटु ए प्लस डी कले सूत्र अनुसार आमको मिल जाव स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटु ए इज इक्वल टू 120। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को ए द्वारा गुणन कले आमको मिल स्क्वायर इंटु ए क्यूब माइनस डी स्क्वायर इंटु ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 120। ए जगार वर्तमान आम 5 प्रयोग करवा कारण ए इज इक्वल टू 5 आम निर्णय कर तेणु ए जगार 5 लिखले 5 क्यूब माइनस ए जगार 5 लिखले 5 इंटु डी स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 5 रो क्यूब माने 5 पंचा 25 पंचा 125 माइनस 5 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 120 इम्प्लाइज 125 राइट रो प्लस 120 लेफ्ट को आसिले माइनस 120 माइनस 5 डी स्क्वायर राइट को गले प्लस 5 डी स्क्वायर 125 रु 120 गले 5 इज इक्वल टू 5 डी स्क्वायर इम्प्लाइज डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/5 जे 1 इम्प्लाइज डी स्क्वायर वर्गमूल ने डी एक वर्गमूल ने प्लस माइनस 1 तेणु आमको मिलला डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जदि डी इज इक्वल टू प्लस 1 तेबे आमर तीनोटी संख्या ए माइनस डी ए आउ ए प्लस डी निर्णय करने को पड़ो। ए माइनस डी इज इक्वल टू ए पाई आम लिखा 5 माइनस डी पाई 1 तो 5 माइनस 1 जे के 4 तापर ए इज इक्वल टू 5 तापर ए प्लस डी ए पाई आम 5 प्लस डी रो मूल्य 1 5 प्लस 1 6 ताले संख्या तीनोटी मिलला आमको 4 5 आउ 6। जदि डी इज इक्वल टू माइनस 1 डी इज इक्वल टू के माइनस 1 तेबे ए माइनस डी इज इक्वल टू ए पाई आम 5 लिखा माइनस डी रो मूल्य माइनस 1 को ब्रैकेट मध्य लिखा माइनस अफ माइनस 1 प्लस 1 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 ए इज इक्वल टू 5 पुणी ए प्लस डी इज इक्वल टू ए पाई आम 5 लिखा प्लस को प्लस दबा डी रो मूल्य आम माइनस 1 को ब्रैकेट मध्य लिखा 5 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 ताले 15 को तीन भाग कले संख्या त्रय 4 5 6 15 को तीन भाग कले 4 5 6 किंबा 6 5 4 हेबो संख्या तीनोटी एटा होची तमरो आंसर। धन्यवाद।